जम्मू में सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। एलजी मनोज सिन्हा कर रहे बैठक की अध्यक्षता। सुरक्षा समेत अन्य मुद्दों को लेकर हो रही महत्वपूर्ण चर्चा। हयातपुर मंझाकोट में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने आईडी और गोला बारूद किया बरामद। सुनसान पड़ा सांबा का रेलवे स्टेशन। पिछले चार सालों से नहीं रुक रही ट्रेनें। रेल सेवा से वंचित हुए सांबा के वासी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और अन्य मुद्दों को लेकर एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक कन्वेंशन सेंटर जम्मू में चल रही है। इस बैठक में सेना, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। वहीं पर आपको ये भी बताएं कि पुंछ में सेना के जवानों पर हुए हमलों के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी हिस्सा लिया था। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुछ ही देर में यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखें जो कन्वेंशन सेंटर से बाहर से आ रही हैं, जहाँ पर ये जो मीटिंग है ये की जा रही है। हाई सिक्योरिटी मीटिंग का इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी भी नजदीक आ रहा है, उसको लेकर भी इस मीटिंग पर सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जाएगी और वहीं हाई सिक्योरिटी को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, तो अनिल से जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ आ रही है। अनिल, पहले तो आपसे इस बैठक के बारे में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन के जो ऑफिसर्स हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं, तो इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट जो है वो समय अभी तक सामने आई है? लगभग आधा घंटे का समय जो है वो ज्यादा जो है वो बीत चुका है और इस बैठक को पूरी तरह से इसकी अध्यक्षता जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो चेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि ट्विन डिस्ट्रिक्ट रजौरीपुर प्रधान किले की बात करते हैं, तो जिस तरह से वहां पर लगातार आतंकी गतिविधि बढ़ी है और इसी के साथ साथ आज सुबह सवेरे भी आपने देखा कि मंझाकोट इलाके की बात करते हैं तो वहां से एक बड़ी रिकवरी जो है वो हुई है। मगर वहीं पर आपको बता दें कि 26 जनवरी नजदीक आ रही है, उसको लेकर पूरी तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो अलर्ट नजर आ रही है। और इसी बीच 10 जिलों की बात करते हैं, जहां पर जम्मू की बात करें, जम्मू प्रोविंस की पूरी तरह से 10 जिलों की बात करें, तो जहां पर SSPs की बात करते हैं, DGs की बात करते हैं और इसी के साथ साथ DGP की बात करते हैं, तो इस बैठक को पूरी तरह से चेयर किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। और DCs की बात करते हैं, इस बैठक में मौजूद हैं, सिक्योरिटी सिनेरियो कैसा रहने वाला है, 26 जनवरी भी जो है वो निकट आने वाली है, उसको लेकर पूरी समीक्षाएं जो है यहां पर होंगी। लगभग ये बैठक जो है वो लगभग ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे ये बैठक का आयोजन होना है और पूरी समीक्षा की जाएगी कि आने वाले दिनों में जो है ये पीर पंजाल खिता हो या फिर 10 जिले हो, इसकी सिक्योरिटी को सिनेरियो कैसे रखना है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। हालांकि कश्मीर की भी समीक्षा की जाएगी और इसी के साथ साथ जम्मू की भी समीक्षा की जाएगी, मगर अहम इस बैठक को यह माना जा रहा है, इससे पहले हमने ये देखा कि 2 तारीख को ये बैठक जो है वो दिल्ली के अंदर भी होती है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को चेयर करते हैं और तमाम आला अधिकारी उस बैठक में शामिल थे। और आज पूरी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है इस बैठक को चेयर कर रहे हैं। हालांकि ये बैठक जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू के अंदर आकर लेनी थी, मगर वो बैठक आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है यहाँ पर कर रहे हैं। ये वर्किंग डेवलपमेंट जो है, जितने भी इन दिनों जो वर्किंग डेवलपमेंट हुई है, मेजर डेवलपमेंट हुई है सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर, ये उस पर समीक्षा की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही है पीर पंजाल खिते के अंदर, उसको लेकर समीक्षा की जा रही है। और ये तमाम अहम मुद्दे जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर है कि आने वाले समय में 26 जनवरी निकट आने वाला है, उसकी तैयारियां कैसे रखनी है और सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन सब मुद्दों को लेकर जो है ये समीक्षा जो है लगभग 2 से 3 घंटे जो है ये बैठक हो रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा और
वहीं पर अभी जो है ये मीटिंग चल रही है जिस तरीके से अनिल ने जानकारी दी, और इस बीच इस मीटिंग से और क्या कुछ सिक्योरिटी में बदलाव होते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि दो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी में जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हाई सिक्योरिटी मीटिंग ये की जा रही है जिसमें कि एलजी मनोज सिन्हा ने हिस्सा लिया है और जितने भी ऑफिसर्स हैं पुलिस के उनको भी बुलाया गया है और जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के हयातपुर मंझाकोट इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया, जहां पर तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक वायरलेस सेट, एक टेप रिकॉर्डर और 23 राउंड AK-47 के और 4 टिफिन बॉक्स आईडी बरामद किए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सनी यहां पर ज्वाइन करेंगे। उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो सामने आई हैं। ये तस्वीरें हैं जो कि अभी ग्राउंड से सामने आई हैं, जहां पर एक वायरलेस सेट यहां देखा गया, उसके बाद एक टेप रिकॉर्डर को बरामद किया गया, 23 राउंड AK-47 के बरामद किए गए और साथ ही 4 टिफिन बॉक्स आईडी बरामद की गई है, जिसके बाद से अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हयातपुर मंझाकोट के इलाके में ये जो सर्च ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी यहाँ पर सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है और इस सुरक्षा बलों की सफलता के बाद से सर्च ऑपरेशन को और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी नजदीक आता जा रहा है तो इस तरीके की कोई भी घटना ना हो जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है आने वाले समय पर, तो इसको ध्यान में रखते हुए पहले ही जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया, जिसको लेकर एक तरफ आज हाई सिक्योरिटी मीटिंग भी हो रही है, ये बैठक की जा रही है और दूसरी तरफ आज ये बहुत बड़ी खेप जो है वो मिली है सुरक्षा बलों को। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सनी यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो सनी से जानेंगे कि क्या कुछ ग्राउंड से अभी तक जो खबर है वो और निकलकर सामने आ रही है। सनी, आपसे जानना चाहेंगे कि खेप बरामद होने के बाद से क्या कुछ और जानकारी जो है वो हमें ग्राउंड से देखने को मिल रही है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी पल्लवी, आपको बता दें कि आज सुबह राजौरी के जो दूरदराज इलाका है वहां पर एक बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। आपको बता दें यहां से सेना और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है, और आपको बता दें ये कामयाबी जो है उस समय लगी जब सेना जो है इस इलाके में जो है पेट्रोलिंग कर रही थी, वही पेट्रोलिंग के दौरान सेना को 4 टिफिन जो है वो रिकवर हुए हैं जिनमें आईडी बताई जा रही है, उसके अलावा एक बल्ले सेट है और एक टेप रिकॉर्डर है और लगभग 50 के करीब गोलियां हैं जो कि AK-47 की हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो पूरे इलाके को जो है मंजा का जितना भी इलाका है उसे जो है वो कार्डन कर लिया और बड़े पैमाने पर सर्च शुरू कर दी गई है, क्योंकि इन्हीं दिनों में देखा गया था कि इस इलाके में जो है सर्दिक जो है वो देखे गए थे, उसके बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। अगर इसकी बात करें तो ये वही जंगल है, इसी के थोड़े अगर आप पीछे चले जाएं तो यहाँ हमारे 4 जवान जो है वो शहीद हुए थे, वो जंगल लग जाता है। अगर दूसरी तरफ चले जाएं तो मैंडर का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है, और 26 जनवरी को देखते हुए इस पूरे इलाके ने जो है बड़े पैमाने पर सर्च जो है और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। बिल्कुल, आपसे ये सनी ये भी जानना चाहेंगे कि अभी मूवमेंट पर क्या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, और खासकर जिस एरिया में ये खेप बरामद हुई है वहां पर किस तरीके से कुछ अभी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हो? जी अभी तक हम बात करें तो वहां पर किसी तरह की रुकावट जो है नहीं लगाई गई है, क्योंकि जंगल का इलाका है और सर्च के दौरान जो ये सामान जो है वो रिकवर हुआ है। अगर हम गांव की बात करें तो गांव के लोगों को जरूर ये कहा गया है कि आप जंगल की तरफ जो है अभी ना जाएं, क्योंकि जिस तरह से ये सामान देखा जा रहा है सारा सामान जो है वो नया है, आईडी जो है वो नहीं है, उसके अलावा जो गोलियां मिली हैं वो नहीं है, एक वायरल सेट है वो नया है, उसको देखते हुए कुछ ऐसा भी लग सकता है कि कहीं और भी इस तरह की आईडी जो है वो ना लगाई गई हो, तो उसको लेकर पूरे जंगल में जो है वो इस समय तलाशी अभियान चल रहा है। वहीं पर सनी, का आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से पुंछ और राजौरी में पिछले कुछ महीनों में बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे कि जो टेररिस्ट हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं या कोई ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है जिससे कोई ना कोई जो मिस हैपनिंग है वो हो, तो क्या इससे अभी कुछ सिक्योरिटी में कुछ तब्दीली की गई है पुंछ में या नहीं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि 4 जवान शहीद हुए, उसके बाद मैटर के अंदर जो है
कुछ संदिग्ध देखे गए, उसके बाद मंडी के दूर दराज इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए थे। उसके बाद अगर बात करें तो इन इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। वहीं अगर बात करें तो कल भी हमारे पूंछ के दरबार सेक्टर में जो है एक बड़ी खेप जो है वो ड्रग्स की जो है वो पकड़ी गई है। और पाकिस्तान की ये कोशिश है कि इन दिनों में राजौरी पूंछ का जो इलाका है यहाँ कुछ विघन जो है वो डाली जाए, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है। और दूसरा अगर बात करें तो राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है, उसको लेकर इन इलाकों में जो है आतंकी गतिविधियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज इस समय जगह जगह पर तैनात कर दी गई हैं, राजौरी से लेकर पूंछ तक बड़े पैमाने पर इन इलाकों में सर्च भी चल रही है। जी जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सनी शर्मा, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जो एक बड़ी खेप मिली है, जहां पर एक वायरलेस सेट, एक टेप रिकॉर्डर और 23 राउंड AK-47 के और 4 टिफिन IED बॉक्स जो है वो बरामद किए गए हैं। जिसके बाद से हालांकि अभी रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं लगाई है, लेकिन सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है और हाई अलर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब पुंछ के बाद सांबा की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर का सांबा रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के ना रुकने से रेलवे स्टेशन पिछले 4 वर्षों से सुनसान पड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 साल पहले कई अहम ट्रेनें रुकती थी, लेकिन कोरोना काल में रेलवे ने यहां पर ट्रेनों का रुकना अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। इस खबर पर हमारे साथ ऋषि यहाँ जुड़ेंगे, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है और काफी देर से इस पर मांग की जा रही है। सांबा के जो वासी हैं उनका कहना है कि स्टेशन पर जो ट्रेन्स हैं उनका रुकना वापस से शुरू किया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा जो परेशानी है वो लोगों को देखनी पड़ रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर ऋषि ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऋषि से जानेंगे। ऋषि, आपसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो मांग है ये काफी ज्यादा पुरानी है और बहुत देर से लोगों का यही कहना है कि जो ट्रेन्स का स्टॉप है वो सांबा स्टेशन भी रखा जाए। कोरोना के बाद से इसे अस्थायी रूप से जो था तो उस समय स्थगित कर दिया गया था, लेकिन वापस से शुरू नहीं किया गया और लोगों को परेशानियां आ रही हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सांबा रेलवे स्टेशन है ये जिला हेडक्वार्टर का मेन रेलवे स्टेशन है, लेकिन आज के वक्त में इस रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरती तो जरूर है, लेकिन यहाँ ट्रेन रुकती नहीं है, जिसको लेकर लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल के वक्त में यहाँ से तमाम ट्रेनों के जो स्टॉपेज है उन्हें उठाया गया था, यहाँ पर कोविड सेंटर भी बनाया गया था, टेस्टिंग सेंटर, लेकिन उसके बाद कोविड खत्म हो गया, हालात सामान्य हो गए, जिंदगी जो वो पटरी पर दौड़ना शुरू हो गई, लेकिन ट्रेन यहाँ पर जो वो सांबा रेलवे स्टेशन पे नहीं रुकी और आज लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लोगों से हमने बात भी की, लोगों का साफ कहना है कि मान लीजिए कि अगर किसी ने ट्रेन में बोर्ड करना हो तो वो सांबा नहीं बल्कि जम्मू या कठुआ से बोर्ड करेगा, अगर उतरना है तो वो जम्मू या कठुआ ही उतरेगा। रेलवे स्टेशन सांबा जो है ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये हेडक्वार्टर का स्टेशन है और सांबा जो है एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ ब्रिगेड है, यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस हब है, लेकिन उसके बाद भी अगर व्यापारी तबके की बात करें तो वो भी बाहरी राज्यों से जब यहाँ सांबा आना चाहते हैं तो वो सांबा रेलवे स्टेशन का फायदा नहीं ले पा रहे, क्योंकि ट्रेन रुकती नहीं है और यहाँ से जो बच्चे बाहरी राज्यों में पढ़ने वाले हैं उनको भी खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हालांकि अभी भी कुछ लोगों को ये पता कि ट्रेन यहाँ रुकती है या नहीं रुकती, मान लीजिए अगर किसी ने यहाँ से बोर्ड करना है वो यहाँ गाड़ी लेकर अपनी कन्विंस लेकर जब पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि ट्रेन तो यहाँ रुकती नहीं है, तो फिर वो उसी स्टेशन पर जाना चाहेगा जहां से उसने बोर्ड करना होगा, लेकिन इतनी देर में उसकी ट्रेन जो है वो छूट जाती है। तो ये दिक्कत इस समय बहुत ज्यादा बनी हुई है। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन के बाहर जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनका रोजगार भी खत्म हो चुका है, जो ऑटो वाले हैं या टेम्पो ट्रेवलर वाले हैं, तमाम ये जो लोग हैं जिनका रोजगार इसी स्टेशन पर चल रहा था उनका रोजगार भी आज के वक्त में ठप हो गया है। और इससे पहले कई नुमाइंदे, कई लोग जो है वो सरकारी अधिकारियों के साथ मिले हैं, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री जब यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं तो उनके साथ कई बार जो है वो उनको ज्ञापन सौंपे गए हैं कि कम से कम इस रेलवे स्टेशन को चलाया जाए, लेकिन नहीं चल पा रहा। और इससे छोटे छोटे जो स्टेशन है हीरानगर, गघवाल, वहां पर तमाम ट्रेन जो वो रुकी है, जो लोगों की तरफ से साफ तौर पर कहना है, लोगों का ये कहना है कि हमने डिमांड रखी थी कि यहाँ पर तमाम सुपरफास्ट ट्रेन रुकने चाहिए, लेकिन उसका उलट क्या होता है कि यहाँ पर जो तमाम ट्रेन रुकी थी उनके भी स्टॉपेज यहाँ से उठा लिए गए। 4 साल का वक्त हो गया बीते, अगर पिछले दिनों का जिक्र करें तो उसके बाद यहाँ पर ट्रेन जो है वो आप ये कह सकते हैं कि लोगों के दरवाजे के बाहर से जा रही है लेकिन यहाँ पर रुक नहीं रही है सांबा रेलवे स्टेशन पर, तो एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। हमने अनऑफिशियल तरीके से भी जानकारी लेने की कोशिश की है तो उन्होंने ये कहा है, जो अधिकारी है उन्होंने ये कहा है कि जल्द ऐसा लग रहा है कि कोई सिग्नल मिलने वाला है कि यहाँ पर ट्रेन जो है वो रुकेंगी, लेकिन कब तक रुकेंगी इसको लेकर कोई भी पॉसिबिलिटी अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन कई लोग जो है वो इस समय एमपी
साहब से जो वो काफी खफा है, जो हमारे जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि वो कर सकते हैं अगर उनकी तरफ से कोई संज्ञान इसको लेकर लिया जाता है। रेलवे अथॉरिटीज को भी कई बार लिखा गया है, जो फिरोजपुर डिपो है यहाँ से इनके जो डीएम जो इनके मैनेजर आपसे मेरा सवाल ये भी है कि रेल अथॉरिटीज को बहुत देर पहले भी ये लेटर लिखा गया था कि सांबा जो स्टेशन है यहाँ पर ट्रेन्स को रोका जाए, तो क्या उसका कोई रिस्पॉन्ड अभी तक नहीं किया गया या उसको लेकर कोई भी एक्शन जो है अभी तक नहीं हुआ? देखिए, आश्वासन हर बार मिले हैं, वो चाहे केंद्रीय मंत्रियों के एंड पर बात करें या फिर रेलवे अथॉरिटीज के एंड पर बात करें, उन्हें लगातार ये कहा गया है कि ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज है वो जल्द बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक ट्रेनों के स्टॉपेज बहाल नहीं किए जा रहे। देखिए, दिन में दो ट्रेन रुकती है, एक डीएमयू ट्रेन रुकती है और एक हेमकुंट एक्सप्रेस जो वो ट्रेन रुकती है जो हरिद्वार जाती है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो 7-8 ट्रेनें रुकती थी हमें ज्यादा नहीं चाहिए, कम से कम वही 7-8 ट्रेन की अगर स्टॉपेज मिल जाते हैं तो लोगों को फायदा होगा। देखिए, एक मोटे तौर पर मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, रेलवे स्टेशन के एडजॉइनिंग अगर इलाकों की बात करें तो वहां के लोग जो कठुआ जम्मू उधमपुर या दीगर अलग इलाकों में काम करने के लिए जाते हैं तो वो यहाँ से ट्रेन में बोर्ड करके जाते थे, उनका खर्चा बचता था, ट्रेन का सफर सस्ता सफर है, वो पास वगैरह बना लेते थे। लेकिन ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुक रही है, अब उन्हें सांबा पहले जाना पड़ता है, वहां से फिर बस में वो जाएंगे, फिर आगे अपने गंतव्यों की ओर पहुंचेंगे। तो इस समय जो छोटा तबका है उन्हें इस समय काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी है जो वो झेलनी पड़ रही है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रेनों के स्टॉपेज शुरू किए जाए ताकि पता चले कि सांबा जो मेन हेडक्वार्टर का स्टेशन है वो भी एक अच्छा रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसका फायदा लोगों को अभी नहीं मिल रहा है। लोग अभी भी जो वो उम्मीद की किरण जो वो बांध कर बैठे हुए कि शायद आज नहीं तो कल जरूर ट्रेन चलेगी, लेकिन अभी देखना यह कि कब तक इस रेलवे स्टेशन को सुचारू किया जाता है और कब यहाँ पर ट्रेन रुकती है, लोगों को उसका उक्त फायदा मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब जम्मू के पुंछ जिले की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मेंढर तहसील के भाटा दुलिया के जंगल में आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे संवाददाता जो है वो मेंढर से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से आग बुझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, जहां पर एक तरफ तापमान में काफी ज्यादा गिरावट है, उस बीच ये जो आग है इन जंगलों में लग गई है और इसके बाद वन विभाग कोशिश कर रहा है कि इस आग को बुझाया जाए। इस बीच अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है और क्या कुछ और जानकारी आ रही है इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर ताहिर ज्वाइन कर चुके हैं, तो ताहिर से जानी है। ताहिर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं इस आग के लगने के? जी पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि ये आग जो है ये अचानक ही नमूदार हुई जंगल में, तो उसके बाद यूं ही वहां के लोकल्स को पता चला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला, तो उन्होंने तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जो सामने आ रही है मेंढर से और यहाँ पर अचानक नमूदार हुई, तो उसके बाद जो है इसको बुझाने की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की गई। बिल्कुल, आपसे ताहिर ये जानना चाहेंगे कि कितना समय और लग सकता है इस आग को बुझाने पर, क्योंकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि आग पर काबू नहीं पाया गया और आग फैलती जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल जंगली एरिया है यहाँ इस आग की वजह से। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जंगली एरिया है, तो इस आग की वजह से इतने भी सब्ज पेड़ थे वहां, वो सब्ज पेड़ों को ये काफी नुकसान पहुंचा रही है। तो अभी जो है वहां अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो वहां पहुंच चुके हैं, फायर एंड सर्विस डिपार्टमेंट है वो भी वहां पहुंच चुका है, तो इसको बुझाने की जो है वो कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तक जो है आग वो बराबर लगी हुई है। जी पल्लवी, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे ताहिर ये रहेगा कि जिस तरीके से ये जंगलों में आग लगी है, इन जंगलों से रिहायशी इलाका जो है वो कितनी दूरी पर है? जी, अगर मैं ये बाटा दुनिया जंगल की बात करूँ तो इसके तीन साइड पर जो है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ रिहायशी इलाका है। वही अगर आपको मैं बता दूं, ये जो बाटा दुनिया का जंगल है इसके एक साइड
केरी गांव जो है केरी गांव पड़ता है, और दूसरी साइड जो है वो अगर हम बात करें नीचे कांगड़ा गांव पड़ता है, और यही साथ में ऊपर एक संजोट गांव भी पड़ता है। इस अगर ये आग बढ़ेगी तो इससे जो रिहायशी गांव है उनके ऊपर भी काफी असर देखने को मिल सकता है। अगर ये आग ना रोकी गई तो इससे रिहायशी गांव में भी या लोगों के मकानों को, या आज कल का जो सीजन है इसमें लोगों ने घास इकट्ठा करके रखा होता है अपने मवेशियों के लिए, उसको भी आग लगने का खतरा हो सकता है। अभी जो है जब हमारी वहां लोगों से बात हुई तो उनका यह कहना है कि हमारी अभी तक यही कोशिश है कि इस आग को जल्द से जल्द जो है वो बुझाया जाए, ताकि जो लोगों का नुकसान ना हो, लोगों के नुकसान को बचाया जाए। जी पल्लवी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताहिर, ये थे हमारे साथ ताहिर। और जिस तरीके से मेंढर में वन में आग लग चुकी है, जिसके बाद वन विभाग का अमला अब कोशिश कर रहा है इस आग को बुझाने के लिए, और जब ये आग बुझती है इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। आधुनिक युग में सर्दी से राहत देने वाले उपकरणों के बीच भी लोगों का कांगड़ी के प्रति आकर्षण देखने को कम नहीं हुआ है। इस आधुनिक युग में भी कांगड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। पेश है इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कांगड़ी का ये ढेर कश्मीर घाटी के किसी बाजार में नहीं लगा हुआ है, बल्कि ये ढेर जम्मू के बाजार का है। कांगड़ी के इस ढेर और जम्मू के बाजारों में सजी दुकानों में कांगड़ियों से ये साफ हो जाता है कि कश्मीरी ही नहीं बल्कि जम्मू के लोग भी कांगड़ियों के दीवाने हैं। लोगों के मुताबिक बिजली से चलने वाले उपकरण केवल एक जगह पर लगे रहते हैं, लेकिन कांगड़ी को कहीं भी ले जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सर्दियों के लिए है ये बनी है चीज, तो ये है कि ये कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, और बुजुर्ग भी लेके जा सकते हैं, जो जवान बंदा वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और ये बनी है सर्दियों के लिए और बुजुर्गों के लिए बनी। जो हीटर लगे हैं वहाँ हीटर तो एक ही कमरे में लगेंगे, वो तो कहीं बाहर अंदर तो जाएगा नहीं। तो ये कांगड़ी है, ये कांगड़ी हर जगह आप लेके जा सकते हैं, और कांगड़ी आपके पास होगी कोई बुजुर्ग मिल जाएगा तो वो भी सेक लेगा, और ये हर जगह लेके जा सकता है बंदा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हीटर जो लगा, रूम हीटर लगा, वो उसमें तो लेके तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि वो बिजली के साथ ही चलता ना, ये कोला है, कोले के साथ चलेगा, कहीं भी लेके आप जा सकते हैं। आज भी लोग इसको पसंद, हाँ बहुत पसंद करते हैं, लोग ले रहे हैं। ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन अब तो डोगरे भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हर बच्चे अब हर आदमी की यही कोशिश है, मैं कांगड़ी हाथ में पकड़ूँ, हाथ गर्म करूँ। हाथ पकड़ते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, हाथ में गर्म करते हैं। कश्मीरी तो रात को लेकर भी सो जाते हैं बिस्तरों में, इतना उनको एक्सपीरियंस है, उनको उम्र का एक्सपीरियंस है कश्मीरियों को। हम लोगों ने उनको देख दे के हमने भी पकड़ने से देख लिए। इससे फ़ायदा है कि जहाँ आग डाल दो, इस्तेमाल कर लो, जहाँ फायदा यहाँ उठाना है वहाँ चला जाएगा, बिजली कहाँ साथ साथ में चलाएंगे। इसमें घूम भी फिर सकते हैं, इसमें घूम भी फिर सकते हैं, ये हाथ में चलती है हाथ। इसका सबसे फायदा है जो हाथ में उठाएंगे, जहाँ मर्जी है वहाँ जाएंगे। सर्दियों की आहट के साथ ही जम्मू के बाजारों में कांगड़ियों की दुकानें सजना शुरू हो जाती हैं, और लोग सर्दी से राहत पाने के लिए पारंपरिक कांगड़ी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। हम ये 2-3 महीने पहले मंगवा लेते हैं, इस वक्त इसकी काफी सेल चल रही है। इसमें खाली कोयले की राख डलती है और कोयला डलता है, बस कोयला जलाते हैं तो एंजॉय लेते हैं। जिस तरह से जम्मू में सर्दी का प्रकोप चल रहा है, इससे कांगड़ी बेचने वाले जम्मू के दुकानदारों का कारोबार भी अच्छा चल रहा है, और उनकी कांगड़ियां भी खूब बिक रही हैं। दुकानदारों के मुताबिक आधुनिक युग भी कांगड़ी की लोकप्रियता को कम नहीं कर पाया है। 40% अच्छा चल रहा है इसका, कांगड़ी का ज्यादा सेल निकल रही है इस वक्त, आज ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त युग की बात नहीं है, ये तो सदियों से चल रहा है, लेकिन इस वक्त तो जो सर्दी है, सर्दी से बचने के लिए बहुत मज़ेदार कांगड़ी है। कांगड़ी बहुत इंजॉय कर, अपने हीटर का काम करती है, ज़्यादा बिक रही हैं, ज़्यादा चल रही हैं, इसमें बहुत ट्रेंड है इस वक्त कांगड़ी का। काफ़ी बिजनेस अच्छा चल रहा है इसका। हाँ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। लोगों के मुताबिक कोयला बेशक महंगा है, लेकिन जितनी बिजली हीटर के इस्तेमाल में खर्च होती है, उससे कांगड़ी में इस्तेमाल में होने वाले कोयले की लागत कम होती है। सर देखो, कोयला तो महंगा है, मगर चीज़ ऐसी है ना कोयले से, कि जो बिजली का बिल है
वो ज़्यादा खींचता है हीटर। तो ये कोयला ही फूकना ना, 20 रुपए का कोयला डाला तो सब निकल जाता है, कितनी देर चल सकता है ये? हाँ वही थोड़ा सा 20 का डाल दो तो ये सारा दिन चल सकती है। हीटर जो है बत्ती चले गई तो हीटर बंद हो जाएगा, ये तो बंद नहीं ना, ये तो चलना ही चलना है। सर्दी का मौसम है इस वक्त, कांगड़ी का ज़रूरत है, सर्दी का मौसम में कांगड़ी का ज़रूरत है सर बड़े। तो बिजली का हीटर कैसे इस्तेमाल करेंगे? बिजली महंगा है, बिजली कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये कितना सस्ता पड़ता है? ये उससे सस्ता पड़ता है और जहां हम मर्जी है वहां घुमाएगा। कांगड़ी का इस्तेमाल करने वालों के मुताबिक एक बार कांगड़ी में कोयला डाला होता तो फिर पूरा दिन कहीं भी आप अपने हाथों और शरीर को इससे गर्म रख सकते हैं। इसमें जब हीटर में फर्क है कि हीटर में बिजली लग जाती है, इसमें फर्क है, इसमें कोयला डाल दो पूरा दिन सेक चलता रहेगा, पूरा दिन सेक चलता है, जितना बड़ी कोयला डालेंगे उतना पूरा दिन सेक चलता रहेगा, शरीर के लिए भी अच्छा रहता है, शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा रहता है। आधुनिक युग में सर्दी से राहत देने वाले बिजली के उपकरणों के बीच कांगड़ी अब भी लोगों की पहली पसंद है। महंगी बिजली के इस दौर में कांगड़ी सर्दियों में लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।